long time, so I'm feeling a bit. But how are you all doing today? I'm Rachel Mendonca and welcome back to my YouTube channel. So aaj hai Ganpati festival, something that I was super excited about after I was like here, after coming here, like ye mere ko pehla Ganpati milega. And कल रात से इट्स लाइक इधर ही ना एक ये है जहाँ पे मूर्तियाँ बना के दे रहे हैं वो लोग, तो सब लोग इधर आ रहे हैं पिकअप करने के लिए. सो व्हाट आई वाज टेलिंग वाज कि इधर पास में ही है जहाँ पे उन्होंने ऑर्डर वॉर्डर दे के रखे होंगे मूर्तियों का. तो कल शाम को जो ढोल बजना स्टार्ट हुआ है ना मूर्तियों लेके जाने के लिए, अभी तक चल रहा है. आई नो आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा, अभी तक चल रहा है. इट्स लाइक एवरीवन इज कमिंग टेकिंग. कुछ अलग ही माहौल था कल. एवरीवन इज लाइक गणपति पप्पा मोरिया एंड ऑल ऑफ इट. तो बहुत अच्छा लग रहा था सुन के. देन फिर मेरे आंखों में इतना नींद था ना कि मेरे को नींद आ गया. इवन तो देर वॉज दिस थिंग, मेरे को दीदी बोली कि साढ़े चार, लाइक चार साढ़े चार तक भी चल रहा था करके. उसके बाद थोड़ी देर शांत हुआ एंड देन अभी फिर से 7 बजे फिर से स्टार्ट हो गया सबका आके लेके जाना. तो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. एंड मैं जा रही हूँ साक्षी के यहाँ पे आज गणपति के लिए. एंड उधर से फिर हम शाम को निकलेंगे दीदी के उधर. दीदी के बहन के घर पे भी गणपति है तो आज रात को उधर रुकेंगे हम लोग. सो मैंने सोचा कि इतने दिन से कुछ भी व्लॉग नहीं किया है, कुछ 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 चल रहा है वो. अभी मैं थोड़ी देर में रेडी होंगी. बिफोर दैट हमें ब्रेकफास्ट करना है, देन आई गेट रेडी. 11 o'clock के आसपास मैं निकलने वाली हूँ. तो मैं वही तैयारी कर रही थी. इफ आई शुड शो यू गाइज, मेरा बेड लाइक ऐसे फैला पड़ा है. सो दैट इज द आउटफिट दैट आई एम गोइंग टू वेयर. तो मैंने उसके झुमका एंड वो सब निकाल के रखा है, मेरा हील्स है. एंड देन इधर ये नेक्स्ट डे का आउटफिट है, फिर घर पे पहनने का, और मेरा स्किन केयर बैंगल्स ये वो मैं सब कुछ रेडी करके रखा है. और कल ही, आज ही मेरे को छुट्टी है, कल मेरे को छुट्टी नहीं है, तो कल मुझे उधर से काम करना पड़ेगा. सो टू कैरी माई लैपटॉप एंड चार्जर ऑल्सो. तो या दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन. तो मैं इधर से डोंबिवली जा रही हूँ, फिर डोंबिवली में सब होके शाम को उधर से मैं बदलापुर जाने वाली हूँ अकेले ट्रेन में. ओह गॉड. तो या आई होप आई डोंट गो मिसिंग. जैसे मैं वो वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन में कंफ्यूज होके घूमती रहती हूँ ना, बस इधर मैं अच्छे से एक ट्रेन में बैठूँ और 1 घंटे बाद आराम से उधर स्टेशन पर उतर जाऊँ. तो यही होप्स के साथ अभी आई स्टार्ट माई डे. आई हैव ब्रेकफास्ट, गेट रेडी एंड देन व्हेन आई एम वंस रेडी आई कैच अप विद यू गाइस. तो ये एक आउटफिट था जो मैंने मम्मा की साड़ी से बनाया था एंड इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट आउटफिट. सुनाई दे रहा है ना हम लोग को? बता रहे सब लोग अपने कार्स में आते हैं. सो वेयर वाज आई अबाउट द आउटफिट. ओके, तो ये जैसे टर्न आउट हुआ है ना, इट्स ओह माय गॉड, आई सो लव इट. मुझे इसके साथ एक दुपट्टा भी लेना था एक्चुअली, बट देन मुझे वो कलर का मिला नहीं एंड देन टाइम रैन आउट बिकॉज आई डिड नॉट प्लान अर्ली. बट या दिस इज हाउ इट लुक्स. तो मैंने इसको इधर वी शेप एंड फिर इधर से ऐसे करके अनारकली कट दिया है. तो अभी इस मिरर में इतना ही दिखता है बिकॉज वी डोंट हैव अ फुल लेंथ मिरर ओवर हियर. बट या तो मैंने आउटफिट पहन लिया है, अभी मैं बाकी का सब रेडी हो जाऊंगी एंड उसके बाद व्हेन आई बी लीविंग आई विल शो यू अराउंड द वाइब्स ऑफ फेस्टिवल. सो इधर हम आए थे ऊपर वाली आंटी के घर पे, इनके घर पे भी गणपति आया था तो फिर हम विजिट करने आए थे जाने से पहले. सो यस, सो दिस वॉज बीन दी ऑटो आफ्टर रीचिंग डोंबिवली. मैं ऑटो से स्टेशन से जा रही थी टू साक्षीज प्लेस. शी टोल्ड मी अ प्लेस वेयर शी वुड बी मीटिंग मी.
चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। You guys won't guess what I like, who I met over there. So yeah, you guys have to see the next part for that. That was like a very, very best thing, very sweet thing of the entire day for me actually. Yeah. Hi. Second day to. 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 Meko. Second. Can you shake hands? Oh, good boy. You're a good boy. You're a good boy. So, yes, that was Kandu. Cute little, sweet little doggy. Sakshi ke cousin ka hai wo. But he was so cute. Maine uske saath kitna zyada time spent kiya. But he was very sweet as well. And when he starts playing, no, he enjoys to the fullest. Ki sare guests jaane ke baad ne usko bahar choda compound mein. And he was like so much energetic na. Like having like two pets at home and not being able to see them for so long, I really miss them. And the little one who is at home, no, he वो इतना भाव खाता है ना, अभी जब वीडियो कॉल पे उससे बात करती हूँ मुंह फेर के चला जाता है मेरे को, मुझे इतना बुरा लगता है ना। और फिर उस दिन मैंने कंडू को देखा, कंडू से मिली ना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो yeah, that was like the best part of the day for me. लहसुन नहीं डाल, okay. इसके लिए सादा रहता है आगे का, प्लेन। हाँ। तो ऐसे पहले दाल राइस खा के फिर हाँ, ऐसे जाना है। ये इतना ही आज के लिए चाहिए गणपति को। ओके, समझा। और कांदा लहसुन कुछ भी नहीं, आज एक भी इसमें नहीं मिलेगा। सर्विंग ड्यूटी कर रही है वो, और हम बैठ के खा रहे हैं। एंड आई हैड द यम्मी यम्मी लंच और इतना पेट भर गया। अरे कंडू, हेलो कंडू। हम साक्षी के गांव में। ए चुप रहे, ये गांव नहीं, ये शहर है, शहर, इट्स अ सिटी। सो इन द नेक्स्ट पार्ट यू विल जस्ट सी अस हैविंग कॉन्वर्सेशंस व्हिच यू विल नॉट बी एबल टू लिसन, बिकॉज मैंने म्यूट कर दिया है हम लोगों को। अब वैसे ऐसे बचकानी हरकतें कर रहे थे रास्ते पे चलते चलते। सो या दैट वाज सम ऑफ द फन टाइम्स वी हैड दैट आफ्टरनून। साक्षी बाय। आए क्या आप लोग? वो भी आया हम लोग। बाय बाय। मेरा भाई भी आ रहा है। ट्रेन एक छूट गया और उधर से ना जल्दी एक और ट्रेन नहीं था, सो शी सेड मी टू गो अहेड। तो आई हैव रीच्ड, सेकेंड फ्लोर पे है आंटी का घर, मतलब दीदी का घर इधर। तो चलो जाते हैं। और मैं पहुंच गई। वो मैं घर ढूंढ रही थी ना, तो उन्होंने पूरा कॉरिडोर में अंधेरा किया, तो फिर वॉचमैन ने लाइट चालू किया और तभी आंटी लिफ्ट से आई। तो आंटी बड़ी दीदी के घर पर गई थी क्योंकि उधर है गणपति। तो यस, we'll get freshened up and all, wait for दीदी, और एक बार दीदी आए फिर हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। सो चलो अभी मैं थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, बहुत थक गई मैं।
हाय टटोश, किधर आ रहा है तू? मेरे पास मत था। दीदी के घर पे भी आए, बड़े मतलब बड़ी दीदी के पापा बैठे हैं इधर एंड दे आर इनसाइड डूइंग सम प्रिपरेशंस। सो या लेट्स वेट। सो इधर ना इनके सोसाइटी में भी गणेश चतुर्थी का पूजा होता है, मतलब गणपति वगैरह रखा है, तो अभी उसकी आरती है, तो मैं भी इनके साथ नीचे आई हूँ। खाना खा के हम अभी निकले हैं घर जाने के लिए। चेंज वेंज करना है, अभी फ्रेश होना है। इट इज 11:30 एट नाइट। ओके, इट्स वे पास्ट माय बेड टाइम यू गाइस, बट लेट्स गो होम। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये है नेक्स्ट डे एंड मैं रेडी होके बैठी हूँ काम करने के लिए। सी हियर एंड दिस इज माय ब्रेकफास्ट। तो यस, आज मेरी छुट्टी नहीं है, बट मैं इधर से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी एंड उसके बाद आई विल गो टू दैट हाउस, क्योंकि वहाँ पे वाईफाई है, यहाँ पे नहीं है, तो अभी तो मैं हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ। तो दैट इज़ द प्लान कि जल्दी से ब्रेकफास्ट करके उधर भागती हूँ, क्योंकि 11 बजे का मेरा कॉल है सुबह का मीटिंग, तो मुझे वो फ़ोन पर अटेंड करना पड़ेगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:57 राइट नाउ। बट या दैट इज़ द अपडेट फॉर नाउ एंड इफ एनीथिंग हैपेंस आई विल लेट यू नो। सुबह का एंड उसके बाद मैं इधर आ गई, इधर वाईफाई है, इसी जगह पे बैठ के मैं सुबह से शाम तक काम कर रही थी। बस अभी जाके लाइक सब कुछ मेरे लिस्ट से हट गया, इट्स ऑल क्लियर नाउ एंड या इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी हमें निकलना है, दीदी बोल रही थी खाना खा के जाते हैं रात का, तो देखना पड़ेगा। दीदी ने आफ्टरनून का नैप लिया था, इट्स 6:30 राइट नाउ, मतलब वो 5 o'clock को नैप लेने गई थी उस घर में। तो या शी हैज़ टू कम नाउ, फिर देखते हैं कि कैसे जाने हवाले हम वगैरह वगैरह एंड दैट्स ऑल आई गेस। अभी पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा, आई विल अपडेट यू गाइस व्हेन आई एम लीविंग फ्रॉम हियर। देन देखो शक्ल कैसी हो गई है मेरी, मैं बैठ के बस काम ही कर रही थी। अभी मैं थोड़ा टाइम पास करूँगी और दोपहर को मस्त सा लंच किया, छोले नहीं चना बना था, हाँ चना बना था, चपाती था, राइस दाल और कचुम्बर और पापड़ और खीर और मोदक। इट वॉज रियली टेस्टी, यह मस्त लगता है ना, इधर 5 दिन का गणपति, 5 दिन में लंच और डिनर में मस्त सा खाना बनेगा इन लोगों का। और अभी कल डिनर और आज का लंच टेस्टी टेस्टी था। अभी हम डिनर करके फिर घर के लिए निकल जाएंगे, फिर कल वो ऑफिस भी जाना है मुझे। आज तो मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, बट कल उधर जाऊँगी तो फिर ऑफिस भी चली जाऊँगी मैं। तो या दैट्स द अपडेट यू गाइस एंड आई विल कैच अप विद यू लेटर। फाइनली ट्रेन में बैठ गए हम लोग इधर से, इट्स 10:40, दिस इज अ ट्रेन दैट इज डायरेक्टली लीविंग फ्रॉम बदलापुर, सो वी गॉट एन एम्प्टी ट्रेन इफ यू कैन सी। एंड चलो घर पहुंच के मिलती हूँ। That's it for this vlog, you guys. I hope you enjoyed watching it. जितना मैंने गणपति फेस्टिवल एंजॉय किया, आपको भी मेरा सेलिब्रेशन वगैरह पार्टिसिपेट करना देख के मजा आया हो। एंड इफ यू लाइक वॉचिंग इट, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और ऐसे ही मजेदार व्लॉग्स देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।